Good morning students, all classes English grammar. Welcome to online class. Tense के बारे में हम last time अध्ययन कर रहे थे, past tense यानी भूतकाल, ठीक है? तो उसमें तीसरा point आता है past perfect tense. Past perfect tense continuous बढ़ चुके थे simple और अब perfect ये इसका अध्ययन करेंगे. इस टेंस की वाक्यों की पहचान है क्रिया के साथ. चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था और यानी मेन वर्ड आ रहा है इसमें था, ठीक है? जिस था पे आपको फोकस करना है, ठीक? था, थी, इस प्रकार, ठीक है? रूल्स हैं इसके सकारात्मक वाक्यों के लिए. सब्जेक्ट हेड लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक? नेक्स्ट नेगेटिव में हेड नॉट लगेगा, हेड भी लगेगा और नॉट लगेगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वो मस्ट है. इंट्रोगेटिव में हु, व्हाई, व्हेन ये सारी चीजें आती हैं, ठीक? हेड सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल पढ़ते हैं. डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज का निधन हो गया था. द पेशेंट हैड मेन रूल के जो अकॉर्डिंग चल रहे हैं हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट का पास्ट अवे बिफोर द अराइवल टू द डॉक्टर. सेकेंड उसने बचपन में कई सर्जरी करवाई थी, ठीक है? शी हैड अंडरगोन न्यूमरस सर्जरीज ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड. उसने असाइनमेंट पूरा कर लिया था लेकिन उसे स्कूल ले जाना भूल गई. शी हैड कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म वर्ब का द असाइनमेंट बट फॉरगेट भूलना, मतलब फॉरगेट का अर्थ होता है टू टेक देम द स्पून. तो उन्होंने बहुत अधिक जंक फूड खा लिया था. उन्होंने का मतलब दे हैड कंज्यूम टू मच जंक फूड. फाइव मेरे पहुंचने से पहले ही आप निकल चुके थे. यू हैड लेफ्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब था लीव, ठीक है? लेफ्ट इवन बिफोर आई रीच. अगला आता है नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव में नॉट का प्रयोग होगा, हैव नॉट, ठीक? कक्षा की मॉनिटर ने छात्रों को समय सीमा के बारे में सूचित नहीं किया था. इसमें मेन बाकी हुए शब्द है नहीं और था, ठीक? तो द क्लास मॉनिटर है नॉट, ठीक? ये रूल्स के मुताबिक हुआ. इनफॉर्म वर्ब का थर्ड फॉर्म द स्टूडेंट्स अबाउट द डिक्लाइन. हमने अपने छात्रावास के कमरे को साफ नहीं किया था. वी हैड वी यानी हमने हैड नॉट क्लीन वर्ब का थर्ड फॉर्म आवर रूम रूम. थर्ड वे स्कूल नहीं गए थे. वे यानी दे हैड नॉट गोन टू स्कूल. उसने अपने स्कूल फेयरवेल के लिए अपनी नई ड्रेस पहन रखी थी. शी है ना फॉर गर्ल के लिए. शी हैड वॉन हर द न्यू ड्रेस फॉर हर स्कूल फेयरवेल. आता है तीसरा इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नात्मक. क्या आपने अपनी परीक्षा की तैयारी की थी? क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हैड यू प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन मतलब परीक्षा. प्रिपेयर यानी होता है तैयारी और क्वेश्चन मार्क ये इंपॉर्टेंट है इसमें.
राइट का थर्ड फॉर्म, वर्ब यानी राइट हो गया, इसका थर्ड फॉर्म आया रिटर्न, डब्ल्यू आर आई डबल हाफ लेटर क्वेश्चन मार्क। थर्ड उसने किससे मदद मांगी, हु यानी कौन या किससे, हैड ही आस्क्ड फॉर हेल्प, हेल्प यानी होता है सहायता या मदद। क्या उसने धूम्रपान छोड़ दिया था, हैड ही क्विट स्मोकिंग धूम्रपान, क्विट यानी छोड़ना। वो मेरे पहुंचने से पहले ही वह क्यों चला गया था, व्हाई यानी क्यों, हैड ही लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द प्लेस। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गए पास्ट परफेक्ट टेंस के तीनों प्रकार के जो है उदाहरण, इनकी आपको तैयारी अच्छे से करनी है और आपको होमवर्क देनी होगी हर उसके अफर्मेटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव के पांच पांच सेंटेंस या वाक्य बना के कॉपी में लिखेंगे और स्पेलिंग सही लिखेंगे, याद करेंगे।